हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ तक ये है जो शेडिंग का पार्ट यहाँ तक किया था, और अब जो आगे का पार्ट है मैं आपको वो ड्रॉ करना बताऊँगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हेयर ड्रॉ करेंगे। तो हेयर ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर मैंने एक मैकेनिकल पेंसिल ले ली है जिसमें कि लीड बिल्कुल भी नहीं है, और जो है मैं हेयर के डायरेक्शन में ऐसे इसमें इंडेंटिंग कर रहा हूँ। और अब जो है मैं चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, सॉफ्ट चारकोल का। और जिस डायरेक्शन में हेयर है रेफरेंस पिक्चर में, तो उसी डायरेक्शन में मैं जो है स्ट्रोक लगाते हुए यहाँ पर हेयर को ड्रॉ कर लूँगा। और अब फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बियर्ड ड्रॉ कर रहा हूँ, और बियर्ड ड्रॉ करने के लिए भी हम जो है सेम तरीके से यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, और जिस डायरेक्शन में हेयर है तो उसी डायरेक्शन में हम स्ट्रोक लगाते हुए यहाँ पर बियर्ड को ड्रॉ कर लेंगे। और अब इसे मैं ब्लेंड कर लेता हूँ राउंड ब्रश से। और यहाँ पर मैं फ्लैट ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ, और इससे भी मैं ब्लेंड करूँगा। और अब फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं मकैनो इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ, और इससे जो वाइट हेयर हैं तो उसे मैं इससे जो है इरेज करते हुए यहाँ पर ड्रॉ कर लूँगा। और यहाँ पर जो है फिर मैं एचबी पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, और इसे मैं कॉटन से अच्छी तरीके से यहाँ पर ब्लेंड कर दूंगा। और ब्लेंड करने के बाद फिर मैं इसे एचबी पेंसिल से ही इसमें सेकेंड लेयर और चढ़ाऊँगा। और अब इसे मैं ब्लेंड कर रहा हूँ फ्लैट ब्रश से अच्छे तरीके से। और अब यहाँ पर जो कॉलर वगैरह है, तो उसके लिए यहाँ पर मैं 2B पेंसिल का यूज़ करूँगा, और 2B पेंसिल से यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से यहाँ पर शेड कर दूँगा। और अब यहाँ पर मैं 6B पेंसिल का यूज़ करूँगा, और 6B पेंसिल से भी जो है मैं यहाँ पर सेकेंड लेयर यहाँ पर चढ़ा दूँगा। और सेम जो है दोनों कॉलर में मैं ये दोनों पेंसिल का यूज़ करते हुए अभी शेडिंग कर लेता हूँ। और शेडिंग करने के बाद इसे मैं अच्छी तरीके से यहाँ पर ब्लेंड कर लूँगा फ्लैट ब्रश से। और अब फ्रेंड्स, जो गन का पाइप है, तो इसमें भी मैं एचबी पेंसिल का यूज़ करूँगा, और एचबी पेंसिल से ही मैं जो है फर्स्ट लेयर यहाँ पर शेड कर दूँगा। और अब फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 6B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, और इसे मैं और डार्क करूँगा। और फ्रेंड्स, इतना कर लेने के बाद इसे मैं ब्लेंड कर दूंगा अच्छे तरीके से। और यहाँ पर फ्रेंड्स, कुछ हाईलाइट पार्ट है, तो उसके लिए यहाँ पर मैं मकैनो इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ, और इरेज करते हुए यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर कुछ हाईलाइट पोर्शन दे दूंगा। और अब फ्रेंड्स, जो ब्लेज़र में रिंकल्स वगैरह लाइंस वगैरह हैं, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पर एचबी पेंसिल का यूज़ करूँगा, और मैं यहाँ पर हल्का सा जो है शेड करूँगा इसमें लाइंस को, देख सकते हो आप कुछ इस तरीके से। और अब फ्रेंड्स, जिस डायरेक्शन में हमने जो है लाइंस यहाँ पर शेड की है, तो उसी डायरेक्शन में मैं इसे ब्लेंड कर दूंगा। और ब्लेंड करने के बाद यहाँ पर मैं मकैनो इरेजर से जो है कुछ पार्ट यहाँ पर देख सकते हो कि इरेज कर रहा हूँ। और अब फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बैकग्राउंड को शेड करूँगा, तो बैकग्राउंड के लिए यहाँ पर मैंने एक सैंड पेपर ले लिया है, और चारकोल पेंसिल को उसमें थोड़ा सा घिस लिया है, जिससे कि पाउडर यहाँ पर बन गया है हमारा इंस्टेंट पाउडर। तो अब जो है यहाँ पर मैं कॉटन से जो है यहाँ पर ऐसे ऐसे डस्ट को रफ कर दूंगा, तो जिससे कि यहाँ पर पूरा बैकग्राउंड हमारा सही हो जाएगा। और यहाँ पर मैं फ्लैट ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ पर थोड़ा डार्क पार्ट है,
तो वहाँ पर मैं ज़्यादा ज़्यादा पाउडर का हल्का यूज़ कर रहा हूँ, तो कुछ ऐसा लुक दिख रहा है। और आपको जो जो पीछे सर्कल दिख रहे हैं, तो ये है नीडेड इरेज़र से मैंने ऐसे टैप करके किया है। तो फ्रेंड्स, हमारी यहाँ पर ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और नीचे दिया हुआ बेल आइकॉन है उसे ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि आपको और भी आर्ट रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।